हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट। बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ वॉच माई लास्ट वीडियो ऑन इंट्रोडक्शन टू साइकोमेट्रिक चार्ट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सैम्पल ऑफ एयर हैविंग 22 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो जल्दी से इसे ड्रॉ कर लेते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट में। 22 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वर्टिकल लाइन लाइक दिस। नाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30%, तो 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कर्व लाइन, और जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, नेम इट एज अ पॉइंट ए। एट बारोमेट्रिक प्रेशर ऑफ 760 mm ऑफ Hg, ये 1 bar प्रेशर पे ही मॉइस्चर का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो सबसे पहले तो पॉइंट ए से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें ह्यूमिडिटी रेशो मिल जाएगा 0.005, और इंथैल्पी भी डायरेक्टली मिल जाएगा। पॉइंट ए से इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सो इंथैल्पी इज 35। सो वी गॉट द टू आंसर्स डायरेक्टली, ह्यूमिडिटी रेशियो W इक्वल टू 0.005 kg पर kg ऑफ एयर एंड इंथैल्पी H इक्वल टू 35 किलो जूल पर kg ऑफ एयर। नाउ थर्ड, वेपर प्रेशर। बट इस साइकोमेट्रिक चार्ट में वेपर प्रेशर का स्केल नहीं दिया हुआ है, इसलिए एक फार्मूला है जिससे वेपर प्रेशर फाइंड आउट किया जा सकता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई इक्वल टू वेपर प्रेशर डिवाइड बाई सेचुरेशन प्रेशर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें पता है 0.3, सेचुरेशन प्रेशर हमें स्टीम टेबल से मिल जाएगा। एट 22 डिग्री सेल्सियस द सेचुरेशन प्रेशर इज 0.02642। सो 0.3 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर डिवाइड बाई 0.0264। तो यहाँ से वेपर प्रेशर मिल गया 0.07926 bar। सो वी गॉट दी वेपर प्रेशर। नाउ लास्ट, वेपर डेंसिटी। तो ये डेंसिटी है, तो मास बाय वॉल्यूम, यहाँ पे मास है ह्यूमिडिटी रेशो W अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो हमारे पास W है, स्पेसिफिक वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग साइकोमेट्रिक चार्ट। पॉइंट ए से पर्पल लाइन ड्रॉ किया है एंड वहाँ से मिल गया 0.84 स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये मिल गया वेपर डेंसिटी इक्वल टू 0.0057 kg पर मीटर क्यूब। सो दीज आर दी फाइनल आंसर्स, वेपर डेंसिटी, ह्यूमिडिटी रेशो, इंथैल्पी एंड वेपर प्रेशर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अ क्वांटिटी ऑफ एयर हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 300 मीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट में 30 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वर्टिकल लाइन एंड 25 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर। तो 25 डिग्री सेल्सियस WBT की इंक्लाइन लाइन, और जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट ए। इज हीटेड टू 40 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ये हो गया सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट एडेड, फाइनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड WBT। द प्रेशर इज 1 bar। ओके, हीट एडेड इज मास फ्लो रेट इंटू H2 - H1। तो यहाँ पर मास फ्लो रेट है वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो अब इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 300 मीटर क्यूब, इसलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम भी हम इनिशियल पॉइंट का ही लेंगे, पॉइंट ए का। तो ये वॉयलेट लाइन है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, जिसका वैल्यू है 0.87। तो इसे पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, 300 डिवाइड बाय 0.87, मास मिल गया 344 kg। अब इंथैल्पी चाहिए H1 और H2, तो दोनों पॉइंट को इंक्लाइंड एक्सटेंड करते हैं, जिससे H1 और H2 मिल जाएगा 77 एंड 87। अब इन तीनों वैल्यूज को हीट एडेड फॉर्मूले में पुट किया और हीट एडेड मिल गया 3440 किलो जूल। नाउ नेक्स्ट फाइंड करना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइनल पॉइंट का। तो फाइनल पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 40%, डायरेक्टली मिल गया साइकोमेट्रिक चार्ट से। नाउ WBT के लिए भी फाइनल पॉइंट को एक्सटेंड कर लिया इंक्लाइन सेचुरेशन कर्व तक, तो वहाँ पे मिल गया 27.5 डिग्री सेल्सियस। सो वी गॉट दी ऑल थ्री आंसर्स, वेट बल्ब टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेल्सियस, फाइनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% एंड हीट एडेड 3440 किलो जूल। ओके, थर्ड क्वेश्चन, द एयर एंटर्स अ डक्ट एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो 10 डिग्री सेल्सियस की एक वर्टिकल लाइन और 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की एक कर्व्ड लाइन, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट ए। एट द रेट ऑफ 150 मीटर क्यूब पर मिनट एंड इज हीटेड टू 30 डिग्री सेल्सियस विदाउट एडिंग और रिमूविंग एनी मॉइस्चर। तो 30 डिग्री सेल्सियस की एक वर्टिकल लाइन
तो ये हो गया सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस फ्रॉम ए टू बी. वी गॉट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एट एग्जिट डायरेक्टली फ्रॉम द साइकोमेट्रिक चार्ट एट पॉइंट बी एंड दैट इज 23%. नाउ नेक्स्ट फाइंड करना है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. तो हीट ट्रांसफर इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू H2 माइनस H1. तो यहाँ पर मास फ्लो रेट है वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम. तो V1 हमें पता है 150 मीटर क्यूब पर मिनट गिवन है और स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें साइकोमेट्रिक चार्ट से मिल जाएगा. तो V1 है इनिशियल वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी हम इनिशियल पॉइंट का ही लेंगे, पॉइंट ए का. तो पॉइंट ए से वॉयलेट लाइन है जिसका वैल्यू 0.81 मिला. इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 150 डिवाइड बाय 0.81. तो मास फ्लो रेट मिल गया 185.2 मीटर क्यूब पर मिनट. अब H1 और H2 का वैल्यू चाहिए. तो दोनों पॉइंट ए और बी को इंक्लाइन एक्सटेंड किया जिससे H1 और H2 मिले 26 एंड 46. अब इन तीनों वैल्यूज़ को हीट ट्रांसफ़र फार्मूले में पुट किया तो हीट ट्रांसफ़र मिला 3704 किलो जूल पर मिनट. सो द फाइनल आंसर्स आर 23% रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एट एग्जिट एंड रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज 3704 किलो जूल पर मिनट. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक एयर विद डीबीटी ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस. तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन 28 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड अ डब्ल्यूबीटी ऑफ 17 डिग्री सेल्सियस. तो एक इंक्लाइन लाइन हैविंग 17 डिग्री सेल्सियस डब्ल्यूबीटी. तो जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं दैट इज पॉइंट ए. इज कूल टू 15 डिग्री सेल्सियस विदाउट चेंजिंग इट्स मॉइस्चर कंटेंट. ओके, ये सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस है. तो 15 डिग्री सेल्सियस की एक वर्टिकल लाइन एंड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी दिस इज अ सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस. फाइंड ओरिजिनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड फाइनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो ये फाइंड कर लेते हैं डायरेक्टली साइकोमेट्रिक चार्ट से, दैट इज 34% एंड 74%. अब फाइंड करना है फाइनल डब्ल्यू बी टी. तो फाइनल पॉइंट बी से इंक्लाइन लाइन एक्सटेंड किया टू द सेचुरेशन कर्व और वहाँ से मिल गया 12 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर. सो द फाइनल आंसर्स आर ओरिजिनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी 34%, फाइनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी 74% एंड फाइनल WBT इज 12 डिग्री सेल्सियस. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, द एटमॉस्फेरिक एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस DBT एंड 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस DBT की एक वर्टिकल लाइन एंड 75% RH की एक कर्व लाइन. जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उसे पॉइंट ए मेंशन किया. एंटर्स अ कूलिंग कॉइल एट अ रेट ऑफ 200 मीटर क्यूब पर मिनट. द कॉइल ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज 14 डिग्री सेल्सियस. तो ये है ADP पॉइंट 14 डिग्री सेल्सियस. तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट में ADP 14 डिग्री सेल्सियस ऑन दी सेचुरेशन कर्व. तो ये हो गया कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस एंड द बायपास फैक्टर ऑफ द कॉइल इज 0.1. तो डायरेक्टली बायपास फैक्टर का फॉर्मूला है TD2 माइनस ADP डिवाइड बाई TD1 माइनस ADP. तो हमें टेम्परेचर ऑफ एयर लीविंग द कूलिंग कॉइल फाइंड करना है TD2. हमें पता है बायपास फैक्टर ADP और TD1 भी पता है. सो बायपास फैक्टर इज 0.1, ADP इज 14 डिग्री सेल्सियस, TD1 इज 30. तो यहाँ से हमें TD2 मिल गया 15.6 डिग्री सेल्सियस, दैट इज टेम्परेचर ऑफ एयर लीविंग द कूलिंग कॉइल. तो इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट में, एक वर्टिकल लाइन ऑफ 15.6 डिग्री सेल्सियस और जहाँ पर यह इंटरसेक्ट कर रही है लाइन ए एंड ADP की, तो उसे पॉइंट बी मेंशन किया. सो वी गॉट द फर्स्ट आंसर. नाउ सेकेंड फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ द कूलिंग कॉइल इन TR एंड किलो वैट. तो कैपेसिटी इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू H1 माइनस H2. तो यहाँ पर मास फ्लो रेट है V1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम. V1 है इनिशियल वॉल्यूम जो कि गिवन है 200 मीटर क्यूब पर मिनट, इसलिए हम स्पेसिफिक वॉल्यूम भी इनिशियल पॉइंट का ही लेंगे, पॉइंट ए का. वी गॉट 0.88 अप्रॉक्सीमेटली. तो अब इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 200 डिवाइड बाई 0.88 दैट इज 227 kg पर मिनट. अब हमें फाइंड करना है H1 एंड H2. तो दोनों पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल ए एंड बी पॉइंट को इंक्लाइन एक्सटेंड कर लेते हैं. H1 मिल गया 82 एंड H2 मिल गया 44. अब इन तीनों वैल्यूज़ को कैपेसिटी में पुट कर देते हैं. कैपेसिटी 8626 kg पर मिनट आ गया. अब TR में कन्वर्ट करने के लिए इसे डिवाइड बाय 210 कर दिया तो मिल गया 41 TR. एज 1 TR इक्वल टू 210 kg पर मिनट. ओके, कैपेसिटी भी फाइंड आउट हो गया. देन थर्ड, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड पर मिनट.
तो इसका भी डायरेक्टली फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड पर मिनट इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू W1 माइनस W2। मास फ्लो रेट हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुका है, W1 एंड W2 हमें साइकोमेट्रिक चार्ट से मिल जाएगा। दोनों पॉइंट ए एंड बी को हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड किया, वहाँ से W1 एंड W2 मिल गया, 0.02 एंड 0.01। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड इज 2 kg पर मिनट। सो वी गॉट दी थर्ड आंसर। नाउ फोर्थ, सेंसिबल हीट फैक्टर SHF। इसका भी डायरेक्टली फार्मूला है, SHF इक्वल टू H3 - H2 डिवाइड बाई H1 - H2। हमारे पास H1 और H2 है और H3 हमें साइकोमेट्रिक चार्ट से मिल जाएगा। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ये है पॉइंट थर्ड, और इसे इंक्लाइंड एक्सटेंड किया तो H3 मिल गया 58। अब इन तीनों वैल्यूज को SHF में पुट किया एंड वी गॉट द SHF एज 0.37। सो वी गॉट द फोर्थ आंसर। सो द फाइनल आंसर्स आर, टेम्परेचर ऑफ एयर लीविंग द कूलिंग कॉइल इज 15.6 डिग्री सेल्सियस, कैपेसिटी ऑफ द कूलिंग कॉइल इन kg पर मिनट इज 8626 एंड इन TR 41, देन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड इज 2 kg पर मिनट एंड SHF इज 0.37। ओके, लास्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक एयर एट DBT ऑफ 16 डिग्री सेल्सियस। तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं, अ वर्टिकल लाइन ऑफ 16 डिग्री सेल्सियस DBT एंड 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो एक कर्व लाइन 25% RH की, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज पॉइंट वन, इन सच अ वे दैट द फाइनल DBT इज 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50% RH। तो फाइनल पॉइंट के लिए एक वर्टिकल लाइन DBT 30 डिग्री सेल्सियस की एंड अ कर्व लाइन 50% RH की, तो ये मिल गया पॉइंट टू। सो द प्रोसेस 1-2 इज अ हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। डिटरमाइन फर्स्ट हीट एडेड। तो हीट एडेड का फॉर्मूला है H2 - H1। तो ये H1 एंड H2 हमें डायरेक्टली साइकोमेट्रिक चार्ट से मिल जाएंगे। दोनों पॉइंट 1 एंड 2 को हम इंक्लाइन एक्सटेंड कर लेंगे, H1 मिल गया 25 एंड H2 मिल गया 65। सो 65 - 25, दैट इज 40 kg/kg। सो वी गॉट द फर्स्ट आंसर। नाउ सेकेंड, मॉइस्चर एडेड। तो इसके लिए भी डायरेक्टली फार्मूला, मॉइस्चर एडेड इक्वल टू W2 - W1। अब ये W1 एंड W2 हमें साइकोमेट्रिक चार्ट से ही मिलेगा, दोनों पॉइंट को हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड किया। सो वी गॉट दी W1 एंड W2 एज 0.0026 एंड 0.013। सो मॉइस्चर एडेड इज 0.0106 kg/kg ऑफ एयर। सो वी गॉट द सेकेंड आंसर। नाउ थर्ड, SHF। सो SHF का अगेन सेम फार्मूला, H3 - H1 डिवाइड बाई H2 - H1। हमारे पास H1 एंड H2 है ऑलरेडी, H3 पॉइंट हमें साइकोमेट्रिक चार्ट से मिल जाएगा। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन थर्ड पॉइंट है और इसे इंक्लाइन एक्सटेंड किया तो हमें H3 मिल जाएगा, दैट इज 40। तो 40 - 25 डिवाइड बाई 65 - 25, सो SHF वी गॉट 0.375। सो द फाइनल आंसर्स आर, हीट एडेड 40 kJ/kg, मॉइस्चर एडेड 0.0106 kg/kg ऑफ एयर एंड SHF 0.375। तो ये थे टोटल 6 क्वेश्चंस ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट, विच कवर्स ऑल द टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू साइकोमेट्रिक चार्ट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चंस, देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो अपनी सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें और फिर मेरे चैनल के होम पेज पर जाके उधर बने बेल पर क्लिक कर दो। इससे आपको जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक करें अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम के लगे, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसी काम की नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।